क्या किसी को इतना चाहते हो, इतना प्यार करते हो कि चाहते हो कि हर हाल में वो आपके पास रहे, किसी भी हाल में वो आपको छोड़ करके भी कभी आपकी ज़िंदगी से बाहर ना जाए, और आप जानना चाहते हो कि क्या कुछ है उसके दिल में, क्या वो भी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहता है या चाहती है या नहीं। सो चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के। सो नमस्ते दोस्तों, मैं रितु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्च्यून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए, अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं बता देती हूँ, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है, और जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई है, नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप कीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। स्क्रीन पर नंबर भी दिया हुआ है, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़ोन मत कीजिएगा, आप हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं लूँगी आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। सो कुछ आपकी एनर्जीज़ को पहले कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या है आपकी ज़िंदगी, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। सो मैं रैंडम स्प्रेड करूँगी और देखेंगे कि क्या आ रही हैं आपकी एनर्जीज़। चलिए शुरू करते हैं। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है व्यूअर्स की ज़िंदगी में। चलिए देख लेते हैं क्या है आपकी एनर्जीज़। ओके, रैंडम स्प्रेड करते हैं और रैंडम ही इसको ओपन करेंगे और रीड करेंगे। कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम और अपने नाम और इमेज अपने दिमाग में रखिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। चलिए ओके, सो रैंडम ओपन करते हैं। फर्स्ट कार्ड, अगर ये कार्ड आपके साथ रेजोनेट करता है तो क्लेम कीजिएगा कार्ड नंबर 1। ओके, सो फर्स्ट एनर्जी यहाँ पर जो निकल करके आई है वो है द फूल की एनर्जी। फाइन, सो कहीं ना कहीं आपके आपको ऐसा लगता है कि आपके ज़िंदगी में किसी का आना, कोई इत्तेफाक हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, या तो आप लोगों का कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई ऐसा मैग्नेट या कोई ऐसा खिंचाव या कुछ ऐसा रिश्ता ज़रूर है आप दोनों के बीच में, जो आपके आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की तरफ खींचे चले जाते हो। सो एक आपको बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी, बहुत एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको आपके पार्टनर से मिलती है, और जो भी आप इनकी तरफ फील कर पाते हो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बातें आप उनको नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो, या अपनी दिल की बात ज़्यादा बता नहीं पाते हो। चाहते तो हो कि आपकी ज़िंदगी में आए, और आप कहीं ना कहीं इनके साथ आगे अपनी ज़िंदगी बढ़ाना चाहते हो, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं। सो एक शुरुआत ज़रूर करना चाहते हो आप इनके साथ अपनी ज़िंदगी की, और ज़रूर बढ़ना चाहते हो आप इनके साथ लाइफ में आगे। ओके, कार्ड नंबर 2 देख लेते हैं क्या आ रही है आपकी एनर्जीज़। क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, सो देखिए, आपकी लाइफ में ज़रूर हुआ कुछ है ऐसा जिसकी वजह से आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता या तो नो कांटेक्ट में है, या फिर मिनिमम कांटेक्ट में है, या फिर बातें होते हुए भी उतना रिश्ता गहरा नहीं हो पा रहा है जितना आप चाहते हो। कहीं ना कहीं आप उनको देखते तो हो, नोटिस तो करते हो, आप चाहते हो दिल ही दिल में इनको, आपकी खुशियाँ इनसे हैं, राइट, आपकी चाहत इनसे है, आपके दिलो दिमाग पर ये छाए रहते हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ आपके लाइफ में पास्ट में हुआ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं पास्ट में अटक गए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो या डिसअपॉइंटेड हो, या फिर एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहते हो। सो आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो, और आप दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कोल्ड वॉर ज़रूर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ज़रूर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के हो गई है। कार्ड नंबर 3 ले लेते हैं
गोइंग विद द फ्लो। कई बार देखिए आपने कोशिश की कि चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलने देते हैं, या फिर कुछ ऐसा कि आगे क्या होने वाला है। सो ये चीज़ें आपके दिलो दिमाग में चलती रहती हैं कि आप चल तो दिए हो ऐसे रास्ते पर जहाँ ये पार्टनर आपके साथ है, जहाँ नहीं भी है लेकिन आप ऐसे रास्ते पर चल दिए हो जहाँ दूर दूर तक कुछ उम्मीद आपको दिखाई नहीं देती है, बस आप बहे चले जा रहे हो इस रिश्ते में, बहे चले जा रहे हो इस रिलेशनशिप में। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये बहाव कहाँ ले जाएगा, ये रिश्ता कहाँ ले जाएगा, बस सिर्फ और सिर्फ किसी के प्यार में बहे चले जा रहे हो, ज़िंदगी जहाँ ले जा रही है बस जाए चले जा रहे हो, कुछ सोच नहीं रहे हो, कुछ समझ नहीं रहे हो, क्योंकि आप सोचने समझने लायक हो बचे भी नहीं हो, क्योंकि इतना प्यार आप किसी से कर चुके हो, किसी का एहसास इतनी ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचता है कि हर तरीके की कंडीशंस में आप उसका साथ देना चाहते हो, बस एक खुशी मिलती है आपको, सिर्फ और सिर्फ साथ ही चाहिए, आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पर्सन का आपको साथ चाहिए और उसका साथ ही आपकी ज़िंदगी को खुश रखने के लिए बहुत आपको लगता है। कार्ड नंबर 4 हम देख लेते हैं क्या आ रहा है, एडवेंचर। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी ना फुल ऑफ एडवेंचर हो चुकी है, बहुत उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आने लगे हैं। कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ज़िंदगी जैसी चल रही है ना वैसी बहुत खूबसूरत है, पर कभी कुछ ऐसी तकलीफ, कुछ ऐसा दर्द, कुछ ऐसी गहराई आपकी ज़िंदगी में आ जाती है कि ऐसा एहसास होने लगता है कि अब इसके आगे क्या होने वाला है। क्योंकि एक एडवेंचर जब ज़िंदगी किसी एक जर्नी, देखिए लाइफ हमारी जो है ना एक जर्नी है, राइट, जब हम किसी भी जर्नी पर निकलते हैं, जब किसी भी ऐसे रास्ते पर हम जा रहे होते हैं जहाँ बहुत हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है या हमें कौन मिलने वाला है या कैसा रास्ता मिलने वाला है, सो वही कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी आपको लेकर के जा रही है। इस पार्टनर के साथ आपको प्यार तो हो गया, भरोसा भी हो गया, सब चीज़ें अच्छी भी चल रही हैं, लेकिन आगे क्या, ये सफ़र आपका जो है ना बड़ा अनजाना सा सफ़र है, पहले कभी आप इस रास्ते पर चले नहीं हो और ये रास्ता आपको किस तरीके से आगे लेकर के जाने वाला है आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सो एक दीवानापन कह सकते हो, एक पागलपन कह सकते हो जो आपके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। कार्ड नंबर 5 देख लेते हैं, करेज। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है, जब भी आप इसके आसपास होते हो या ये पर्सन आपके आसपास होता है या होती है, सो एक हिम्मत सी आ जाती है, मतलब एक ज़िंदगी में जैसे खुशबू ही खुशबू भर जाती है, एक उमंग, एक सुंदर सा एक एनवायरनमेंट आपके आसपास बनने लग जाता है, अजीब सी खुशी आपके मन में आने लग जाती है जब भी आप इस पर्सन का चेहरा देखते हो, या फिर कभी भी आप इसको देखते हो या सपने में भी कभी इंसान आ जाता है तो आप सपने में ही मुस्कुराने लगते हो। सो ये एक सिर्फ एक पल भर का एहसास ही आपको बहुत ज़्यादा सुकून देता है, बहुत ज़्यादा प्यार आपको उससे है और ये फील कर पाते हो आप, भले अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाते हो, ठीक है, और ये जो फीलिंग आपको होती है, ये इस फीलिंग को हैंडल कर पाना भी आपके लिए कई 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 बार मुश्किल हो जाता है। बट हाँ देखो, ये जो एहसास है ये एक ज़रूर एक खुशबू की तरह है, ज़रूर एक ऐसे फूल की तरह है जो कि खिल तो जाता है, बहुत मुसीबतों से खिलता है, बहुत मुसीबतों से आपका ये रिश्ता बना है, पर इस रिश्ते में इतनी मिठास है या इतनी खुशबू है या इतनी फ्रेशनेस है ना कि बस ज़रा पल का एहसास ही आपको बहुत खुशियाँ दे जाता है, थोड़ी सी ही खुशियों में आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कार्ड नंबर 6 ट्रांसफॉर्मेशंस। जब से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है ना, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है आपकी लाइफ में, बहुत बदल चुके हो आप। हो सकता है पहले आप इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं थे जितने अभी होते चले जा रहे हो, ठीक है, हो सकता है पहले आप इतने ज़्यादा नहीं आप इतने ज़्यादा कनेक्ट हो पाते थे किसी से, लेकिन अभी जब से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है तब से आप बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हो इस इंसान के साथ, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आए हैं ना, ये आपको एक मीठा सा रिश्ता आपको बना करके दे दिया है ना, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ तो आप दोनों की लाइफ में ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आपकी ये लाइफ जो है ना थोड़ी सी अटक के रह गई है ना, आपकी लाइफ, आप जिस तरीके से बदलाव आपकी ज़िंदगी में आए हैं, जिस तरीके से चेंजेस आपकी ज़िंदगी में हुए हैं, आप ज़रूर ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पर्सन को और चाहते हो रीयूनियन। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन, अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो, ओके। सो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, क्लिंगिंग टू द पास्ट क्यों आया है, वी आर द वर्ल्ड, देखिए
ठीक है, आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को अपनी दुनिया मान लिया था, आपने इस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला कर लिया था, या सपने देख लिए थे इसी पर्सन के साथ अपनी लाइफ को बढ़ाने के, लेकिन जो भी कुछ इस पर्सन ने आपके साथ किया है ना, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। हो सकता है आप कमिटमेंट मांग रहे हो, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, या फिर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी ऐसी ज़रूर है, या तो आप दोनों में कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कमिटमेंट देने से बहुत ज़्यादा आपसे मुझे घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। बट स्टिल आप ही, आप इनको अपनी दुनिया ही मानते हो, आपके लिए ये इंसान सब कुछ है, पल भर के लिए ही सही, बट थोड़ा सा साथ भी आपके लिए बहुत हो जाता है। एडवेंचर का कार्ड क्यों आया है? रीबर्थ, देखिए, ठीक है। सो ये जिस जो रास्ता आपको ले जा रहा है, जो अप्स एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना, वो आपको और स्ट्रॉन्ग करते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप एक रीबर्थ में आ चुके हो, जैसे जैसे कि एक होता है ना, एक वापस से एक नया जन्म आपका हुआ है, और ये जो नया जन्म आपका हुआ है, इस टाइम आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपका रीयूनियन होके रहेगा, राइट। पहले हो सकता है आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते थे, या आपके पार्टनर इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते थे, बट अभी वो चीज़ें बदल गई हैं और आप अपने को और निखार रहे हो, आप अपने पे और काम कर रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि आप अपने खुद को तैयार करो इस पर्सन के लिए, और आपको ना अच्छा लगता है खुद को प्रिपेयर करना, खुद के लिए काम करना, और खुद पे विश्वास रखना आपको बहुत अच्छा लगता है, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है? कॉम्प्रोमाइज़। सो देखिए, आपकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा इस तरीके की सिचुएशंस बन चुकी हैं जहाँ आपको नहीं समझ में आता है क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आए हैं, ये जो तकलीफ़ें आपकी ज़िंदगी में आप झेल रहे हो ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ रहे हैं अपनी लाइफ में। चाहते तो हो कि ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के चलते, कुछ सिचुएशंस के चलते आप दोनों साथ नहीं हो पा रहे हो। फूल का कार्ड क्यों आया है? सेलिब्रेशन, देखिए, ठीक है। सो यहाँ पर डेफिनेटली आप चाहते तो हो एक न्यू बिगनिंग करना इस पर्सन के साथ, चाहते हो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना इसके साथ, और चाहते हो कि ज़िंदगी में आप दोनों एक दूसरे के लिए बंध जाओ, ठीक है, एक दूसरे के ही हो करके रह जाओ। सो आप कहीं ना कहीं इस रिश्तों को बहुत ही एक अच्छा सा नाम देना चाहते हो, एक कमिटमेंट देना चाहते हो, लेकिन सारे एफर्ट्स मुझे यहाँ पे फेल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सो आप देखो, उनको ऐसा लगता है कि आपको सारी बातें बता नहीं सकते हैं, आपको सारे एहसास वो बता नहीं सकते हैं, राइट। और उनको ऐसा लगता है कि आपको अपना बना पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है, राइट। शेयरिंग, करेज का कार्ड आया है, शेयरिंग। सो बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है अभी। आप कई बार ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने दिल की नहीं कह पाते हो, राइट। सो थोड़ा सा करेज ले करके आइए और अपनी बात अपने पार्टनर के सामने ज़रूर रखिए, ज़रूर शेयर कीजिए। गोइंग विद द फ्लो, गाइडेंस, ओके। सो गाइडेंस आपके लिए यही आ रहा है कि अभी ज़िंदगी आपको जिस तरीके से आगे बढ़ाती चली जा रही है, बढ़ाती चली जा रही है, आप चलते जाइए। लाइफ कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे सिचुएशन पे लाकर के ज़रूर रखेगी जहां पर खुशियां ही खुशियां होंगी, जहां सारी तकलीफ़ों का अंत हो जाएगा और खुशियां आपका इंतज़ार कर रही होंगी, राइट। अब हम जान लेते हैं आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर के। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है पार्टनर के दिल में व्यूअर्स को लेकर के, क्या चल रहा है पार्टनर के दिल में व्यूअर्स को लेकर के, पार्टनर क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के बारे में। ओके, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, राइट। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पर आ चुकी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, सी, आपके लिए भी द फूल का कार्ड आया है और आपके पार्टनर के लिए भी फूल का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों ना बिल्कुल एक जैसे हो, कई मायनों में आप दोनों एक जैसे हो, इसलिए आप एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हो। वो भी आंख बंद करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आप भी सब कुछ छोड़ करके इनके पास आ जाना चाहते हो। वो भी चाहते हैं कि आपका और इनका साथ बना रहे, वो भी चाहते हैं कि आप इनके एक पुकारने पे आ जाओ, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहो, और वो ही ये चाहते हैं। भले ही आप दोनों का आज नाम नहीं है, कोई रिश्ते का नाम नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो एक दीवानापन, पागलपन जो आपके अंदर है, वही चीज़ मैं आज आपके पार्टनर के अंदर भी देख पा रही हूँ।
ओके सो डिसीजन बहुत जल्द यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड यही बता रहा है कि बहुत कुछ इनकी ज़िंदगी में आ रहा है, कुछ एक गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाली है। सो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत एक पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ चैलेंजेस ज़रूर हैं, तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पोटेंशली बहुत इस एक्शन को हम ये आपके पार्टनर प्लान करना चाहते हैं, राइट। सो ज़िंदगी में एक फ़न ज़रूर है और एक एक्साइटमेंट लाना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप दोनों के रिश्तों को एक नाम देना चाहते हैं। सी टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर की फैमिलीज आपको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, फैमिली कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रही है आपके पार्टनर को मना करने में या आप दोनों को दूर रखने में। सो हो सकता है आप दोनों के रिश्तों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ज़रूर हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर के पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं है या आपको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता फ़िलहाल मुझे अटका हुआ दिखाई दे रहा है। कप्स, फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो कर्क मीन वृश्चिक राशि। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अभी आपके बारे में ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, भले ही अभी जिस भी सिचुएशन में फंसे हों बैठे हों, लेकिन ख्याल दिन रात आपके ही चलते रहते हैं और उनको कई बार ऐसा लगता है कि डिवाइन ने ही उनको आपसे मिलाया है और आपके साथ डिवाइनली कनेक्ट कर पाते हैं। जब भी अकेले होते हैं तो आपके बारे में ही सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। द सन, ओके सो द सन का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है जो ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी ज़रूर एक ऐसे रास्ते पर पहुँचेगी जहाँ आप दोनों का मिलन होगा, ठीक है। सो ये बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है जो कि ये बताता है कि एक बहुत ही खुश शुरुआत आपकी ज़िंदगी की होने वाली है, एक बहुत ही हसीन लम्हा आप दोनों साथ बिताने वाले हैं और बहुत ही एक प्यारे से रिश्ते में आप दोनों बंद करके ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। सो ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। द स्टार का कार्ड आया है, सो ये कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों की लाइफ में बहुत जल्द कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बहुत ही जल्द आप दोनों के रिश्ते में कुछ नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। सो एक होप ज़रूर है आपके पार्टनर को, अब वो बहुत जल्द आपके साथ प्रॉमिस करना चाहते हैं, ओके और चाहते हैं कि आप भी उनका साथ दो, राइट, बीच रास्ते में उनका साथ ना छोड़ दो, क्योंकि आपसे ही इनको हिम्मत मिलती है और जो भी सिचुएशन अभी आप दोनों की लाइफ में ऑब्स्टिकल बनी हुई है, प्रॉब्लम बनी हुई है, बहुत जल्द उसको सॉल्व करना चाहते हैं, ओके और चाहते हैं शुरुआत करना। नाइट ऑफ वॉन्ड, बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ेंगे और अपने प्यार का इजहार आपसे ज़रूर ज़रूर करेंगे, ओके सी आप बहुत ही उनको बहुत ही आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। आप इतने ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी हो कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं, आपसे बात करना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, राइट, और इसी वजह से आपके पर्सन हो सकता है आपसे जेलस भी करते हो, है ना। आपके लिए देखो ठीक है, जो कुछ भी है आपके पार्टनर के दिल में, हो सकता है आप इतने इतने केयरिंग होना कि हर किसी को आपके साथ बात करना, आपके साथ रहना पसंद है, राइट, और इस वजह से आपके पर्सन कई बार आपसे जलते हैं, कई बार जेलस फील करते हैं, है ना, और उनको ऐसा लगता है कई बार कि वो कंपटीशन है मतलब उनके लिए ज़रूर एक कंपटीशन है, आपसे शादी होगी या नहीं होगी, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगर इनसे नहीं होगी तो कौन करेगा, इस तरीके की बहुत सारी बातें इनके दिमाग में चलती रहती हैं, राइट। सो आपकी ब्यूटी के दीवाने बने पड़े हुए हैं। देखो डेफिनेटली आपका जो एक अट्रैक्शन है वो आप उनको आपकी तरफ खींचता ज़रूर है, राइट, और फैमिली की तरफ से या रिलीजियस या जो भी इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स या परेशानियां हैं, सो उनको लेकर के थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, कुछ इस तरीके की बात हो जाए कि आप दोनों एक हो जाओ। वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड यही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं और आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी को आगे देखते हैं, आपके
बिना ज़िंदगी में आगे बढ़ पाना बहुत इनके लिए मुश्किल है। सो इंतज़ार कर रहे हैं ऐसे वक्त का जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आपको कमिटमेंट देंगे। वाओ, मैजिशियन का कार्ड यही बता रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस ज़रूर पूरी होने वाली है, तो मैनिफेस्टेशंस करते रहिएगा क्योंकि आपके पार्टनर भी आपके लिए मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, आपको ही अपनी ज़िंदगी में मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं एक एक आगे एक नई शुरुआत आप दोनों की ज़िंदगी की मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, फ्री होता है सब्सक्राइब का बटन। सो थैंक यू सो मच अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए। सो क्लेम ज़रूर कीजिएगा रियूनियन रिकॉन्सिलेशन अगर आप लोग चाहते हैं तो। अगर आप न्यू पार्टनर की तलाश में हैं तो ज़रूर लिखेगा न्यू पार्टनर, ओके। और इंस्टाग्राम यूट्यूब एंड फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। और हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190, वहाँ पर जा करके आप थर्ड पार्टी सिचुएशन देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।